Assalamu alaikum student, how are you? Welcome to week 9 in online study. In this lecture, we will read and understand unit number 4, Bilal and his wife. So let's start from reading. Okay student, open your English literature book, We Learn English, Oxford class 4, and go to page number 25 for unit number 4, Bilal and his bike. Here is the unit number 4, Bilal and his bike. Unit number 4, Bilal and his bike. Adnan is telling his sister Alina about a boy in his class. Adnan apni behan sister Alina ko batata hai ek ladke ke baare mein jo uski class mein hai. Bilal is a small boy with a black hair, a fair complexion and a blue eyes. Bilal ek chota ladka hai jiske kaale baal hain aur uska gori rangat hai aur blue color ki uski eyes hain. He is always friendly and cheerful. वो हमेशा दोस्ताना माहौल में रहता है और बहुत happy रहता है. Come first in the class और हमेशा अव्वल आता है class में. And is excellent in sports और वो बहुत बेहतरीन sports वो है यानी खिलाड़ी भी है. He takes part in a debates and a dramas. वो हमेशा तकरीरों में और dramas में भी हिस्सा लेता है. He has only one fault. उसका सिर्फ एक गलती है. He always want to show off. वो हमेशा दिखावा करने की कोशिश करता है. How does he show off? Ask Alina. Alina पूछती है वो किस तरह से show off करता है या किस तरह दिखावा करता है. He boasts about the thing he can do. वो हमेशा गुरूर करता है जो काम वो कर सकता है. He always talking about his rich uncle in Dubai who sent him expensive present. वो हमेशा अपने अंकल के बारे में बात करता है जो दुबई में रहते हैं और उसे महंगे महंगे तोहफे भेजते रहते हैं. He does not think about those friends who do not have things. वो कभी भी ये नहीं सोचता उन दोस्तों के बारे में जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती. Like his new watch and laptop, जैसे कि उसके पास नया घड़ी और लैपटॉप्स हैं. His mother warned him not to show off and hurt the feeling of others, but Bilal never पे एनी अटेंशन. उसकी वालदा हमेशा उसे मना करती हैं, टोकती हैं कि कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए जो चीज़ आपके पास है और ना ही उससे आपको दूसरों को हर्ट करना चाहिए ताकि उनकी फीलिंग हर्ट हो जो. लेकिन मगर वो उनकी बात कभी भी गौर से नहीं सुनता और उस पर कभी भी अटेंशन नहीं देता. अलीना आस्क्स, व्हाई डू यू स्टिल लाइक हिम? तुम उसे अभी भी क्यों पसंद करते हो? लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड. मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है. वन डे बिलाल फादर बॉट हिम आ ब्यूटिफुल रेड बाइक फॉर हिज बर्थडे. एक दिन उसके वाले साहब ने उसे रेड बाइक दिलाई थी इसकी बर्थडे पर. एज यूजल बिलाल स्टार्टेड टू शो ऑफ. हमेशा की तरह जैसे बिलाल हमेशा शो ऑफ करने गुरूर करना शुरू कर देता है. ही बिगिन टू राइड हिज बाइक ऑन द स्ट्रीट विदाउट होल्डिंग द हैंडल्स बार्स. वो गाड़ी को चला रहा होता है स्ट्रीट में यानी गली मोहल्ले में और उसे बिना उसके हैंडल को पकड़े हुए वो हैंडल को छोड़ के अपनी गाड़ी चला रहा होता है. He looked up to see a plane taking off and did not see a car parked under a tree. वो ऊपर आसमान पे देख रहा होता है प्लेन जो टेकिंग ऑफ करके जा रहा होता है ना कि वो नीचे देखता है कि नीचे एक गाड़ी जो है वो पार्क हुई होती है दरख्त के साथ. He rode his bike straight into the car. वो ले आकर ठोक देता है अपनी बाइक को यानी स्ट्रेट चलाते हुए गाड़ी कार के पास ले आके ठोक देता है. He was a terrible crush. There was a terrible crush. वो एकदम से एक खतरनाक एक्सीडेंट उन दोनों का हो जाता है. He fell down on the road and the wheel of his bike comes off. वो गिर जाता है रोड पर और उसकी जो व्हील्स होते हैं बाइक के वो बाहर निकल के आ जाते हैं. People from nearby house rushed to help. जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो फौरन उसके तरफ बाहर के आते हैं जो मोहल्ले के लोग होते हैं. बिलाल कुड नॉट मूव हिज आर्म. वो अपने हाथ को नहीं हिला पा रहा होता है. एन एम्बुलेंस टुक हिम टू द हॉस्पिटल. और एक एम्बुलेंस आती है और उसे ले जाती है हॉस्पिटल. वेयर हिज आर्म वॉज ऑपरेट. जहाँ उसका जो बाजू है उसका ऑपरेशन होता है. ही हैड टू स्टे इन अ बेड फॉर वन मंथ एंड मिस द स्पोर्ट्स डे. वो एक महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला जाता है और उसके जो मिस हो जाती हैं सारी स्पोर्ट्स क्लासेस जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं. हाउ इज ही नाउ? आस्क्ड अलीना. अलीना पूछती है अब वो कैसा है. बिलाल हैज लर्न अ लेसन. ही प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर एवर शो ऑफ अगेन. बिलाल ने ये सबक हासिल कर लिया है कि वो और उसने वादा किया है कि वो कभी भी दोबारा शो ऑफ यानी गुरूर नहीं करेगा. ही इज अ मच बेटर फ्रेंड टू हैव नाउ. वो अब मजीद बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया है जैसे कि वो पहले था.